होती है। सोच भी नहीं सकता मेरा साथ ऐसा हुआ बोल के। मैं नहीं रहूंगा, गैस आप लोग सोच रहा होगा ना हम क्यों रो रहे बोल के। गैस सोचा ही नहीं था कि मेरा साथ भी एक दिन ऐसे होगा बोल के। एक्चुअली गैस एक लड़की से बहुत प्यार करता था, ऑनलाइन में बात किया उसका, पर उसने बोला कि मिलेगा बोल के, मिला थोड़ा टाइम एक्सप्लेन किया, धीरे धीरे कब प्यार हो गया पता भी नहीं चला। और इतना इतना अटैचमेंट होने के बाद अब लोगों को पता है कि हमसे जूसा 3 महीने के लिए आया था, कल कॉल के बोला कि कुछ हो गया बोल के। हम बोले क्या हुआ बताओ बोले, तो मिल के बताएगा बोले, और सिपा मिलने गए तो मिला ही नहीं, कुछ कुछ बहाना मार के फिर कैंसिल कर दिया, लास्ट में बोला कि ब्रेकअप है बोल के। इतना प्यार करता था उसका और हमको चोर के चला गया किसी और के पास, सोचा नहीं था मेरा साथ भी ऐसा होगा बोल के। अब लोग सोच रहा होगा यूट्यूब में क्यों ये बंदा पागल है के व्लॉग बनाते वगैरह से क्या क्या बोल रहे बोल के लव स्टोरी बारे। मेरा क्या गलती था, बस 2 दिन हम खोल नहीं किया था उसको, फिर क्या क्या बहाना बाजी करके हमको ब्रेकअप दे दे गए। दिल अजीब से क्या बोलेगा ना गए, दिल बहुत दर्द दे रहे हैं। 2 दिन हो गए ठीक से नहीं सोए हम, व्हाट्सएप में ब्लॉग, इंस्टाग्राम में ब्लॉग, FB में ब्लॉग, कॉल में ब्लॉग, अभी कैसे उसका हम सॉरी बोलेगा। प्लीज़ आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार मिलो उसका, बस छोड़ना है छोड़ो, बस हमको एक बार बोलने दो, बोलने का मौका भी नहीं देगा इस, इसलिए अभी यूट्यूब में अपलोड करना पड़ रहा है हमको। यूट्यूब में मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ एक बार मिलो, मुझे टाइम दो एक बार, तब बात करेगा। गैस सोच भी नहीं सकता मेरा साथ ऐसा हुआ बोल के। उसको इतना प्यार करता था हम खुद से भी ज़्यादा, उसको प्यार करता था, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया हम। और हमको चोर के चलाया गया, अभी कौन मेरा गर्लफ्रेंड बनेगा। पानी पूरी की जगह में उसको हम समोसा खिलाया था, पेप्सी की जगह में उसको मोन्स्टर पिलाया था, वो भी पैसा नहीं होगा जैसे तैसे एडजस्ट करके, और हमको छोड़ के चला गया, वो भी 2 दिन बाद नहीं किया। तो ऐसे कोई होते है कि विदाउट रीजन बता के हमको छोड़ के चला गया गाइस, हम क्या करेंगे, मैं दिल बहुत दर्द दे रहा गाइस, 2 दिन से नहीं सोया, डिप्रेशन में अभी तक, इसलिए हम वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे गाइस। प्लीज़ हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं गाइस, आप लोग जितना हो सके ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दो ताकि वो लड़की तो ये मैसेज पहुंच सके, व्हाट्सएप में ब्लॉग, इंस्टाग्राम में ब्लॉग, हर चीज़ में ब्लॉग है, तो हम क्या में बात करेंगे, मिलने के लिए भी नहीं मानते वो, इसलिए हम आपको ये वीडियो के जरिए से भेज रहे हैं। प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो जितना भी मैंने गलती किया, जैसे भी करके ये वीडियो को प्लीज़ गाइस उन तक पहुंचा दो, अपने भाई के लिए तो इतना भी कर सकता है आप लोग, प्लीज़ गाइस। इतना प्यार करता था उसको, छोड़ के चला गया हमको, अभी मेरा क्या होगा गाइस। अप्रैल फूल। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस कैसा लगा मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सभी को? तो फिलहाल तो अभी मैं घर का बगल पे एक ग्राउंड है उधर पे मैं आया हुआ हूँ, स्पेशल आप सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया, बहुत मेहनत लगा एक्टिंग करने में, क्योंकि बंदा हर चीज़ एक्टिंग कर सकते, बस रोने वाला एक्टिंग नहीं कर सकते, पर अपना भाई
बहुत कोशिश किया। अगर आप सभी को एक्टिंग अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पर आके ये छोटा सा एक ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि घर पे मैं शूट नहीं कर सकता उधर पे, क्योंकि मेरा दोस्त है, तो दोस्त लोग क्या सोचेगा और वो लोग के सामने में तो हमसे एक्टिंग कर पाएगा ही नहीं, इसलिए हमको ऐसे सुनसान जगह पर आके थोड़ा ऐसे एक्टिंग करना पड़ा। बहुत मेहनत लगे, कम से कम 10-12 रिटेक तो ले आइए, वो भी ये छोटा सा वीडियो के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं अपना भाई का गर्लफ्रेंड सा फ्रेंड गोली मारो ना क्या है, अरे लड़की तो दुनिया भर का है, आएगा जाएगा, तो नेगेटिव माइंड मत लेना आप लोग। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे हूँ, तो आज के छोटा सा व्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगा यहाँ का थोड़ा नदी। आज से 1 अप्रैल, तो अप्रैल फुल तो बनाना बनता है ब्रो। तो इधर पे है साइकिल, ये हम लोग पड़ोसी भाई से हम मंगा था आगे थोड़ा सा ड्राइव करेगा बोल के। तो अभी हम यहाँ से फिलहाल तो घर में मेरा दोस्त लोग बैठा हुआ है, तो हम इसे इतना घूमने जाएगा बोल के घर से निकल गया। तो अभी हम यहाँ से नदी का ओर जाएगा, उसके बाद सिंगल स्विमिंग करेगा, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो यहाँ से चलते हैं नदी की ओर, तो लेट्स मूव। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ, ये है शॉर्टकट रास्ता नदी की ओर जाने के लिए। मेन रोड से जाने से थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो शॉर्टकट से 0.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं जा रहा हूँ भाई शॉर्टकट रास्ता से नदी की ओर, बोले तो स्विमिंग करने, वो भी सोलो। घर में बैठ बैठ के बोर हो गया भाई, और मेरा स्कूटी को दोस्त ला ले गया, इसलिए मैं बाइक का साइकिल को थोड़ा उधार मांग के आया हूँ, वो भी स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। अरे रास्ता किस तरफ तर है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम के बाद साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, इतना थकान महसूस हो रहा है भाई, बोल भी नहीं सकते, एकदम बीबो का स्टाइल में भाई। अरे भाई साइकिल थी थी। तो गाइस ये शॉर्टकट रास्ता इधर से घुसता है, ये है सेजुसा का न्योकम लपंग जो कि न्यूली बना रहा है, जब ये बन जाएगा तो भाई कितना सुंदर होगा, देख सकते हैं गाइस काफ़ी सुंदर है। उधर पे है एंट्री गेट, तो मेरे को उधर जाने का भाई एंट्री पॉइंट, और इधर से जाएंगे हम नदी के ओर, तो लेट्स मूव। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नदी का किनार पे, तो अभी हम करेंगे स्विमिंग। साइकिल ड्राइव करते करते पूरा पसीना भी निकल गया गाइस, आज सोलो स्विमिंग करेगा ना, कभी कभी माइंड रिफ्रेश के लिए आना भी चाहिए ऐसे। और गाइस और एक बार माइंड मत लेना आगे का वीडियो को, क्योंकि एक इंटरटेन के लिए भी होना भी चाहिए कि नहीं। आज से अप्रैल फुल डे, तो मैंने सोचा कि स्पेशल आप लोग के लिए एक वीडियो बनाएगा बोल के, तो वही मैंने वीडियो बनाया। तो अभी हम करेंगे स्विमिंग, ये है नदी, तो करते हैं स्विमिंग। तो गाइस आज का व्लॉग रिलेटिव वाला मैं आप सभी को एक शायरी सुनाना चाहूँगा, और सुनने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना शायरी कैसा लगा आप सभी को। आजकल का प्यार एक ब्लूटूथ की तरह है, आजकल का प्यार एक ब्लूटूथ की तरह है, पास रहो तो कनेक्टेड, दूर रहो तो सर्चिंग फॉर अनदर डिवाइस। बात तो सही है। 1 hour later। तो गाइस हम नहा चुका है, तो अभी जाएंगे अपने घर के ओर, बोले तो रेन हाउस के ओर। ये है अपना साइकिल बाय साइकिल, और गाइस देर नहीं, हम
रेन हाउस छोड़ के निकलने वाला है, क्योंकि 3 मंथ तक हमको बैठना था, तो 3 मंथ कंप्लीट हो रहा है। ये अप्रैल का 2-3 तारीख को हम निकल जाएगा, तो उनका भी मैं हो सके तो व्लॉग बनाऊंगा। और जब मैं चला जाऊंगा तो आप लोग को यहाँ का और व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, बोले तो अपना सेप्पा का देखने को मिलेगा। तो निकलते हैं अभी अपने रेन हाउस के ओर। और गाइस, मैं आगे जहाँ से आया था मैं उधर से नहीं जाऊंगा वापस, तो अभी हम जाएंगे मेन रोड से और आप सभी को दिखाएंगे इधर का मेन रोड। पीछे पे है नमलो वाला। ये है मेन रोड, मैं निकाल चुका हूँ मेन रोड पे। One hour later. तो गाइस, फिलहाल तो अभी मैं रेन हाउस पे आ चुका हूँ, तो अभी करेंगे फ्रेश अप, उसका कपड़ा चेंज करके कहीं जाके मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो फिलहाल तो कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद करने के बाद मैं उधर जाऊँगा वो लोकेशन पे, और मैं आप सभी को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूँगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिखाना था, तो वो लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रेन हाउस अवेलेबल के 8 नतुंग कॉलोनी, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो नतुंग कॉलोनी पे रेन हाउस बिल्कुल मत देते, स्पेशली स्टूडेंट, क्योंकि क्या है कि रिसेंटली हम लोग साथ भी कुछ हादसा हुआ था। तो ये छोटा सा वीडियो क्लिप में आप देख सकता है। बोला ना नहीं बोला, वो तो यार टाइप फाइल यार पर पढ़ नहीं सकते, तो किससे बैठेगा हर शाम को चाहिए को ना वो भी नो नो देख के रूम को लिया है ना नो हम अरला करके क्या करेगा नो पॉइंट क्या है नो रूम को देख के हम पैसा दिए ना आंटी ये क्या बोलते हैं आप क्या सोचते हैं ये खाली पैसा वापस करो बोले हम वापस करेगा नहीं रूम तो इसी रहने दो हम दरकार नहीं है नो तो ऐसे करो ना आंटी तो नो कुछ भी मत बोलो हम पैसा वापस करेगा नहीं अरे पैसा वापस करो नहीं बोल रहे हैं सुनते ही नहीं बात सुना है तब तो वो क्या है वो एक तो बहन है उसको बहन नहीं किसी को बहन है दोनों से बहन दोनों तो रेंट तो दे नहीं नहीं वो बहन से किसी को नहीं है वो बहन दो महीना का रेंट दिया था ना आपको, 2 महीना तक चाबी हम लोग के पास में रहेगा तो हम रेंट देके रखेंगे ऐसे कर देगा बाद में तुम ऐसे नियम मेरा घर में नो दादा करके नियम चलाने होने से बाद में आओ बात करेगा और आंटी देखो कल आ जाओ दादा का बात नहीं है ना प्यार से बोल रहा हूं मेरा तो हम लोग यहाँ आया था किस लिए मैं आप सभी को मत भेटो बोला वो भी मैं रीजन आप सभी को बताऊंगा। एक तरफ से बोलने से दूसरा के बारे में बुराई भला भी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी क्या ही करेगा मजबूरी है, क्योंकि रिसेंटली हम लोग भी इधर पे आया था रेन हाउस बैठने के लिए, तो हम लोग को रेन हाउस नहीं मिलने के कारण हम लोग उधर पे बैठा है। जैसे ही हम लोग उधर में रेन हाउस नहीं बैठा हम लोग बस एडवांस पेमेंट किया, क्यों हम लोग एडवांस पेमेंट किया बोलने से भी वो मालिक ला बोल रहे थे कि वो कल के पितेल जा रहा है बोल के, तो एडवांस दो बोल के, तो हम लोग बोले कि ठीक है आप जाओ आराम से हम लोग ऑनलाइन पे कर देगा, लेकिन वो मालिक नहीं माने कि वो ऑनलाइन नहीं मानेगा, केस में उसको चाहिए बोले, तो फिर हम लोग भी देख एग्री नहीं कि यहाँ ही बैठेगा बोल के कन्फर्म नहीं था, तो शायद मेरा दोस्त ला जो उसको एडवांस दे दिया था बात को, अगर नहीं मिलता बोलने से उपाय नहीं है यहाँ में ही बैठेगा बोल के, हम तो सूरत में ही बोला था हम नहीं बैठे बोल के, तो उसको एडवांस पेमेंट कर दिया। उसका रिसेंटली हम लोग को और एक रेन हाउस मिला उससे अच्छा ला, तो हम लोग उधर में बैठे हैं, उधर का भी हम लोग पैसा दे दिया, उसके बाद ये ला रेन हाउस में हम लोग नहीं बैठे, तो नहीं बैठने के बाद दोस्त ला इसको रिटर्न वो क्या पैसा वापस मांगा है ना, हम लोग को दूसरा रहना उसमें मिल गया, हम लोग इधर पे नहीं बैठे हैं बोल के, ओनली 4 दिन हुआ था 4 डेज। क्या है कि उससे पहले हम लोग उसको ये क्या ब्रेक करना था पैसा रिटर्न मांगना था, लेकिन वो कैपिटल में होने के कारण हम लोग नहीं मांग पाया था, तो उसको वेट करते करते 4 दिन चला गया, और जब पैसा मांगा है तो हम लोग इससे मुँह सुनाया है गंदा चोरा क्या क्या बोलने के बाद हम लोग को बोला है कि पैसा रिटर्न नहीं करेगा बोल के, तो हम लोग बोले क्या बात है आप तो सिक्योरिटी पेमेंट भी नहीं मांगा है और हम लोग यहाँ में 1 दिन भी नहीं बैठा है, तो हम लोग पैसा मांगने से दे देना चाहिए, ऐसे बोले फिर नहीं मान रहा कि वो पैसा नहीं देगा तुम लोग बैठो या मत बैठो, तो ऐसे बोलने का कारण हम लोग बोले कि ठीक है तब तो ये मन का को आप खा लो नेक्स्ट मन का को हम लोग को दे दो, फिर भी नहीं माने,
तो हम लोग बोले कि ओके अब अगर नहीं मानते तो हम लोग बोले कि हम लोग किसी और को बेचने देगा, बेचने देने का बात उनसे हम लोग पैसा ले लेगा बोले। वो बात को भी नहीं माने, लास्ट में करते करते वो बात को भी मान गया। उसका हमसे पता चला गया, उसका लास्ट में पता चला कि मेरा दोस्त ला जो शायद दो आदमी लेके आया था रहना उस बदली बेचने के लिए, उसको बेचने दे के उससे पैसा हम लोग लेगा बोल के। तो फिर वो आंटी ला नहीं मान रहे, ऐसे नहीं होगा, तुम लोग कौन होते हैं यहाँ में रहना उस उसे बैठाने ला, क्या क्या बोलने लग गया। तो वहाँ से गुस्सा होने के बाद फिर वो बोल रहे कि पुलिस वगैरह कंप्लेन करे या फिर हम लोग बोले कि सूरज में तो हम लोग प्यार प्यार से बात किया था फिर भी नहीं माने। लास्ट में करते करते थोड़ा बात बिगड़ गया। और यहाँ का ये नतुंग कॉलोनी का चेयरमैन बोले तो हर कॉलोनी में एक चेयरमैन होता है जो लीड अप करते हैं, तो उन लोग को भी हम लोग बुला के ये आंटीला को बात करने देने के लिए किया है। फिर वो लोग का बात भी नहीं सुन रहे, वो मुँह क्या क्या बोलेगा, फिर वो मूड ऑफ हो जाएगा उसका, फिर घर अंदर घुस जाएगा, दरवाजा नहीं खुले, ऐसे कर करके बहुत यहाँ में प्रॉब्लम हुआ था। और रिसेंटली हम लोग का एक ये मेरा दोस्त का बहन लाया रहना उस बेटा था, उसको भी भगा दिया, तुम कहाँ कहाँ से आदमी ला के ऐसे ऐसे जेजू करवाते हैं, तो ऐसे करके उसको भी भगा दिया। तो अभी वो हम लोग का साथ फिलहाल बैठ रहा है। इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि ये जो भी आउटसाइड से आएगा ये सजूसा हमें ये नतुंग कॉलोनी में गलती से भी रहना उस मत बेटो। मेरा सब्सक्राइबर लोग को भी हम बोलेगा जो भी स्पेशल जो ओपन प्राइवेट का एग्ज़ाम देने आता है अभी यहाँ बिल्कुल मत बैठो, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ का क्या है कि दूसरा रेन हाउस बैठ सकते हैं लेकिन ये नतुंग कॉलोनी में मत बैठो, यहाँ का रेन हाउस मालिक बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसके साथ चलते चलते मैं आप सबको दिखाता हूँ ये रेन हाउस का नज़ारा जहाँ पर ये सब हादसा हुआ था। तो चलते हैं, मैं आप सबको दिखाता हूँ वो रेन हाउस किसे देखने को मिलता है। ये है वो रेन हाउस, देख सकते हैं गाइस, और आप सभी को व्लॉग में देखने को मिला होगा यही घर को हम लोग रेन हाउस लेता वो बगल वाला को, और ये बगल में दोस्त का बहन ला बैठा था उसको भी भगा दिया यहाँ से हम लोग का कारण। और यहाँ पर काफ़ी सारा और लोग बैठा हुआ है रेन हाउस में, और वो है रेन मालिक का घर जो कि काफ़ी खरुश है, देख सकते हैं। और गाइस मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा गलती से भी ये नतुंग कॉलोनी में मत बैठना, बहुत ख़राब है, पत्थर दिल वाला इंसान है भाई, क्या ही बोलेगा, ऐसे इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, इसलिए गलती से भी आपको मत देना। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन बोले तो अपने रेन हाउस के घर के ओर। तो गाइस आप सभी को ये छोटा सा व्लॉग अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलना। तो तब तक के लिए हम सभी मिलते हैं अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।